नमस्कार, कैसे हैं सभी? सभी ठीक हैं? तो हमने, जैसा कि क्लास में हमने विश्व का भूगोल कंप्लीट कर लिया, अब उसे याद करना भी बहुत ज़रूरी है। और याद करने के लिए आज हम एक रिवीजन क्लास लेंगे। सभी के पास अपने नोट्स होने चाहिए, नोट्स ओपन रखें, क्योंकि मैं सिर्फ फास्ट रिवाइज कराऊंगा, याद करवाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्लास में विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, और इसमें सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इवन आरएस प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, दिल्ली पुलिस में सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें है स्थलाकृति, स्थलाकृति, लैंडफॉर्म। अब ये सभी जानते हैं कि स्थल पर जो आकृति है उसे क्या कहते हैं? स्थलाकृति। जैसे ये धरातल पर ऐसी कोई संरचना है उसे हम कहेंगे पर्वत। क्या नाम देंगे? पर्वत। धरातल से थोड़ा ऊपर टॉप, इसका समतल मेज के समान, उसे हम नाम देते हैं पठार। और धरातल के बराबर समतल मैदान, क्या कहलाते हैं? मैदान। उसी के साथ में कुछ स्थलाकृति हैं, झील, बीच में पानी और चारों तरफ स्थलभाग। और पानी का गतिशील रूप क्या कहलाता है? नदी, नदियां, रिवर्स, रिवर्स। और क्या रह गया? एक रह गया डेजर्ट, मरुस्थल। यहां से इन स्थलाकृतियों से सीधा पूछेगा कि कौन सा पठार, कौन सा मैदान, कौन से महाद्वीप में, बिल्कुल सीधा फैला फिक्स क्वेश्चन है ये। दूसरा पूछ लेगा इनकी कोई प्रकृति, इनकी कोई विशेषता, यही आज हम कंप्लीट करना चाहेंगे। और कितने महाद्वीपों में पढ़ेंगे हम? सात महाद्वीप। कितने पढ़ेंगे? सात महाद्वीप। सात महाद्वीपों में जो जो स्थलाकृतियां हैं, जो जो पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, झीलें हैं, उन सभी के बारे में आज जानकारी लेंगे। सभी के पास नोट्स होने चाहिए, लेकिन नोट्स शुरू करने से पहले ये सात महाद्वीप नहीं पढ़ेंगे हम, छः महाद्वीप ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सातवां जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव के पास में है, पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। यहाँ पर केवल एक ही स्थलाकृति मिलती है, सिर्फ पर्वत। क्या मिलेगा? पर्वत। और उस पर्वत का नाम है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। कुछ बेसिक बात इसके बारे में करेंगे, बाकी सभी छह महाद्वीपों में अधिकांश स्थलाकृति आपको देखने को मिलेंगी। समझ गए? आप खुश हो सकते हैं कि आपको सात की जगह कितने महाद्वीप पढ़ने हैं? छह ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। और इसमें सिर्फ एक ही पर्वत है, उसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। समझ गए? अनेक स्थलाकृतियां हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मैदान। मैदान इसलिए करेंगे क्योंकि मैदान बहुत ईजी है, याद करने में भी ईजी रहेगा आज हमें। दूसरा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मैदानों से। सबसे सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इजी क्वेश्चन आएंगे। और कहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा? मैदानों से। इसलिए मैदानों से शुरू करेंगे, फिर आगे सभी स्थलाकृतियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पर्वतों से कि कौन सी चोटी है, कौन से महाद्वीप में है, कहाँ पर विस्तृत है और किस प्रकृति का है। समझ गए? चलो आज स्टार्ट करते हैं मैदान, विश्व में मैदान, विश्व में प्रमुख मैदान, प्रमुख मैदान। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया बहुत डिटेल में, पढ़ा क्लास में, कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। पहला तो पूछेगा नाम। पहला क्या पूछेगा इस मैदानों में? नाम, सिर्फ नाम पूछेगा। और इधर दिया हुआ होगा महाद्वीप, महाद्वीप कि महाद्वीप से मिलान करवाएगा इनको, मिलान कर सकते हैं। वो समय गया कि एक, सिर्फ एक मैदान आपसे पूछेगा। इधर तीन चार ऑप्शन में मैदानों के नाम होंगे, और इधर चार, तीन चार क्या क्या होंगे? महाद्वीपों के नाम होंगे। दूसरा क्या पूछ सकता है? इनकी प्रकृति, जो कि मैं मानता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहां से है, कि ये उष्ण कटिबंध के हैं या फिर शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है, यहां से क्वेश्चन आएगा। और तीसरा क्वेश्चन आएगा तो आएगा विशेषता, विशेषता, कोई स्पेशल कोई विशेषता हो जिसके लिए प्रसिद्ध हो। इन तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कहां से? मैदानों से। यहीं से हम चालू करेंगे। चालू करने से पहले हम देखेंगे कि ये हमारा नॉर्थ कॉन्टिनेंट है,
कौन सा महाद्वीप है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उससे नीचे साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इधर बीच में अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका से ऊपर यूरोप, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप, अफ्रीका से ऊपर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, और यूरोप से जुड़ा हुआ महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ये हमारा भारत है, एशिया, और नीचे ऑस्ट्रेलिया। हमने देखा नाम तो हम याद कर लेंगे इसमें, लेकिन मेन चीज हमें समझना है क्या? प्रकृति की, प्रकृति कैसे निकालें, कैसे याद करें। तो आप सभी को जानकारी है कि बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका के बीचों बीच से 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा, यहाँ से कौन सी लाइन है? कर्क रेखा है। और ऑस्ट्रेलिया के बीच से दक्षिण, सॉरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, यहाँ से कौन सी लाइन है? मकर रेखा। ये तो है कर्क, ये है मकर, और ये है 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा कटिबंध होएगा? उष्ण कटिबंध। इसका तात्पर्य है कि इन दोनों के बीच में जो भी मैदान मिलेंगे वो किस प्रकृति के होंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। यही हम देखना चाह रहे थे। नाम हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे कौन से महाद्वीप में, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा प्रकृति का है, किस प्रकृति का है। तो पूरे ग्लोब में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मिलने वाले घास के मैदान किस प्रकृति के होंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और इनसे ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय है, 23.5 से 66 कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण। 23.5 से 66 शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। समझ गए, दो ही प्रकार के मैदान है। हम मैं यहां से चालू करता हूं आज। पहला है प्रेरीज, कौन सा घास का मैदान है? प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका निकालें सभी, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में देखें प्रेरीज घास का मैदान लिखवा रखा है मैंने। बताओ ये उष्ण कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन से महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। और देश देखें तो कौन कौन से हैं? कनाडा और यूएस, कनाडा और यूएस। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं प्रेरीज घास के मैदान से। ये घास का मैदान कौन से महाद्वीप में? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। किस प्रकृति का? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये, और कनाडा और यूएसए में विस्तृत है। और भी हम देखें कि इनका निर्माण किससे हुआ है, क्या देखेंगे? निर्माण, अधिकांश मैदानों का निर्माण किससे होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? आपको जानकारी है कि नॉर्थ अमेरिका में हमने सबसे बड़ी नदी का नाम सुना था, पढ़ा था हमने, मिसिसिपी। कौन सी नदी? तो मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों से कौन से मैदान बने हैं? प्रेरीज घास के मैदान बने हैं। इस मैदान के बारे में क्लियर है सभी? सभी क्लियर है। कौन से महाद्वीप में? नॉर्थ अमेरिका। किस प्रकृति? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। कौन कौन से देशों में? कनाडा और यूएसए, क्योंकि मुख्य बड़े देश तीन है, कनाडा है, यूएसए और मैक्सिको है। और निर्माण किससे हुआ? मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों से। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहले मैं पूरे विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बता रहा हूं। नीचे है पंपास, कौन सा घास का मैदान है? पंपास। यहां पर भी एक ही मैदान है, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय एक ही है, उष्ण कटिबंधीय और भी आएंगे। पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देख रहे हैं। पंपास घास का मैदान कौन से महाद्वीप में? साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। मुख्य कौन सा देश है? अर्जेंटीना। कौन सा देश है? किस प्रकृति का होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा, क्योंकि ये मकर रेखा से नीचे मिलेगा आपको, शीतोष्ण कटिबंध जोन में मिलेगा। उससे आगे चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान एक ही है, कौन सा? वेल्ड। कौन सा है? वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। किस प्रकृति का? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फिर हम चलेंगे इस क्षेत्र में, स्टेपीज, स्टेपीज घास का मैदान यूरोप में भी मिलेगा और एशिया में मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा और एशिया में भी मिलेगा। यहां पर मुख्य नदियां हैं यूराल, वोल्गा, डेन्यूब, मुख्य नदियां यही है। इधर देखें तो लीना नदी तक इसका विस्तार है। तो स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया दोनों महाद्वीपों में मिलेगा, कौन कौन से में? यूरोप में भी और एशिया में भी। और प्रकृति कैसी होगी? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया में चलें
ऊपर तो है डाउन्स, कौन से हैं डाउन्स, इससे नीचे है नल्लाबोर, दोनों ऑस्ट्रेलिया देश में ही है, डाउन्स नल्लाबोर और एक महाद्वीप एक और है यहाँ पर न्यूजीलैंड में है, कौन सा है, कैंटरबरी, कैंटरबरी घास का मैदान, तीन घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तीनों ही किस प्रकृति के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय है, घास के मैदान है, ये तो न्यूजीलैंड देश में मिलेगा क्योंकि न्यूजीलैंड देश में आपने देखा कि दो द्वीप हैं, से दो द्वीपीय देश हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप में एक पर्वत पढ़ाया था मैंने, कौन सा, दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प से चलने वाली नदियों से कौन से मैदान बने हैं, कैंटरबरी, और इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग और पशुपालन, डेयरी उद्योग और पशुपालन के लिए कौन से मैदान प्रसिद्ध है, कैंटरबरी घास के मैदान प्रसिद्ध है, तो मैंने एक साथ देख लिया हमने शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन से मैदान देखा हमने, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और हम देखें यहां पर है कर्क रेखा से ऊपर मेसोपोटामिया, कौन सा मैदान है, मेसोपोटामिया का मैदान, इससे ऊपर मिलेगा तुरान मैदान, इस यहां पर मिलेगा साइबेरिया, कौन सा मैदान, साइबेरिया का मैदान, और इधर मिलेगा मंचूरिया, कौन सा मैदान, मंचूरिया, ये तो बड़े मैदान है, यहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एशिया के हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ा, मेसोपोटामिया का मैदान, तुरान का मैदान, मंचूरिया का मैदान और साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का मैदान कहां पर मिलेगा आपको, साइबेरिया क्षेत्र में, साइबेरिया किसे कहते हैं, रूस देश का वह भाग जो एशिया में विस्तृत है, रूस देश का वह भाग जो एशिया में विस्तृत है, क्योंकि रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है, यहां पर कुछ नदियां हैं ओब येनेसी लीना, ओब येनेसी लीना, इन नदियों से मैदान बनाए कौन सा, साइबेरिया, उसके बाद में मध्य एशिया, मध्य एशिया में कितने देश हैं, पांच, कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पांच देश हैं, यहां से दो नदियों का उद्गम होता है अमुदरिया सिरदरिया, अमुदरिया और सिरदरिया, इन नदियों के बहाव क्षेत्र में कौन सा मैदान मिलेगा आपको, तुरान, तुरान घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, मध्य एशिया में मिलता है, नीचे चलेंगे याद करें एशिया में, यहां पे तुर्की है, कौन सा देश है, तुर्की में दो पर्वत पढ़ाया मैंने दोनों ऊपर नीचे, पोंटीन और टॉरस, पोंटीन टॉरस, टॉरस पर्वत से दो नदियों का उद्गम है तिग्रिस यूफ्रेटस, तिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां यहां से चलकर फारस की खाड़ी में गिरती हैं, कहां गिरती हैं, इस बहाव क्षेत्र में मिलेगा आपको इराक के आसपास मेसोपोटामिया का मैदान, मेसोपोटामिया मैदान, मेसोपोटामिया सभ्यता भी मिलती है, ये मैदान मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी स्टेपीज, डाउन्स, नल्लाबोर, डाउन्स, नल्लाबोर, कैंटरबरी, वेल्ड, पंपास और प्रेरीज, समझ गए, ये हमारे कंप्लीट कौन से मैदान होते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, एक बार देख लो, एक बार फिर हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे, कोई दिक्कत किसी को, बताओ नॉर्थ अमेरिका में पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, साइबेरिया, मंचूरिया, तुरान, मेसापोटामिया, नल्लाबोर, कैंटरबरी, स्टेपीज घास के मैदानों को यूरोप में एक नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया, क्या दिया नाम दिया गया, इन्हीं मैदानों को यूरोप में क्या कहते हैं, यूरोप मतलब हंगरी तथा उसके आसपास देशों में क्या कहते हैं, पुस्ताज, एग्जाम में पूछा हुआ है पुस्ताज, हंगरी तथा उसके आसपास देशों में क्या कहते हैं, पुस्ताज, सही है, मिलान कर देंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कौन से, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, नॉर्थ अमेरिका में कोई मैदान है क्या इसके अलावा, नहीं है, एक ही मैदान है उसी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, साउथ अमेरिका में अनेक मैदान है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में याद करने लायक मैदान है, अनेक कौन से मैदान मिलेंगे आपको, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण का मतलब क्या हुआ, कर्क और मकर के बीच में, उष्ण कटिबंध जोन में मिलेंगे, यहां पर है लानोस, ऊपर तो कौन सा है, लानोस, ग्रान चाको,
लानोस तो कौन से देश में? वेनेजुएला। कौन से देश में? वेनेजुएला में। ग्रांचा को कौन से देश में? बोलीविया। बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया। दो देश यहाँ पे हैं, लैंडलॉक अंदर है। यहाँ पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। तीन मैदान मिलेंगे आपको कर्म से ही। कौन कौन से मिलेंगे? कैंपोज, कैटिंग्स, कैटिंग्स और सेराडोस। सेराडोस ये पांच मैदान कौन से महाद्वीप में? कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और प्रकृति कैसी इनकी? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में एक ही मैदान है जो शीतोष्ण है, कौन सा? पंपास। ठीक है, इसके अलावा यहां से तो सिर्फ मिलान ही करवाएगा कौन से देश में है। तीनों कहां पर है? ब्राजील में। तीनों कहां पर है? ये ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में, ग्रांचा को बोलीविया में। इनके अलावा याद करें कि एंडीज पर्वत है यहाँ पर। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, उसका नाम है अमेजन। कौन सी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी देखें तो नील अफ्रीका महाद्वीप मिलेगी। आयतन की दृष्टि से बात करें या फिर दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? अमेजन। अमेजन नदी के बहाव क्षेत्र में, कहाँ की बातें हैं ये? अमेजन नदी के बहाव क्षेत्र में कुछ वर्षा वन है, रेनी फॉरेस्ट है, उसका क्या नाम है? सेलवास। क्या नाम है? सेलवास। इन्हीं को कहते हैं अमेजन वर्षा वन। दूसरा क्या नाम है इनका? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, सेलवास या अमेजन वर्षा वन। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन कहां से होता है? यहीं से होता है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता, 20 कर लेना इसको, 30 है क्या आपके पास? 20 ध्यान रखना। पूरे विश्व के 20% ऑक्सीजन का उत्पादन यहीं से होता है। विश्व में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी भी कहां मिलेगी आपको? इन्हीं वनों में मिलेगी। समझ गए? तो यहां से ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि एक ही महाद्वीप में 6-7 नाम लिखा हमने। एक तो कौन सा लिखा? शीतोष्ण है, बाकी सभी कैसे हैं? उष्णकटिबंध। उनमें से भी एक नदी के बहाव क्षेत्र में है। कौन सी नदी के बेसिन में है? अमेजन नदी के। उसका नाम है अमेजन वर्षा वन। दूसरा क्या नाम है इसका? सेलवास। पृथ्वी के फेफड़े लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। उसके बाद में देखें तो, उसके बाद में देखें और कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में 0 डिग्री के दोनों तरफ, कहां की बातें हैं ये? 0 डिग्री से दोनों तरफ एक घास का मैदान है, उसका नाम है सवाना। क्या नाम है? अफ्रीका में एक और मैदान आपने पढ़ा पहले, कौन सा? वेल्ड। वेल्ड तो किस प्रकृति का है? शीतोष्ण कटिबंधीय है, और ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। 0 डिग्री के दोनों तरफ इस आकार में मिलेंगे ये। अब इसमें देश देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका देश। वर्ल्ड में कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर पर्टिकुलर एक देश याद नहीं करना है, दोनों तरफ 0 डिग्री के दोनों तरफ मिलेंगे। ये उष्णकटिबंधीय हैं और ये शीतोष्णकटिबंधीय। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्दावली ऐसी हैं जो कंफ्यूज करती हैं। सवाना से ऊपर आपको मिलेगा साहेल, क्या लिखा हुआ है? उससे ऊपर मिलेगा आपको सहारा, क्या लिखा हुआ है? सहारा। तीनों शब्द एक जैसे ही हैं, एक ही महाद्वीप में है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। सहारा तो एक डेजर्ट है, क्या है? मरुस्थल है। सवाना एक घास का मैदान है। कौन से घास का मैदान? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और इन दोनों के बीच में यह है संक्रमण क्षेत्र। इसका मतलब यहाँ पे मैदान का विस्तार भी मिलेगा और मरुस्थल का विस्तार भी मिलेगा। अब क्लियर है सभी को? सहारा डेजर्ट, साहेल संक्रमण क्षेत्र, सवाना घास का मैदान, और वेल्ड भी घास का मैदान। ये उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय है और ये उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद में यूरोप में कोई मैदान है नहीं, इधर कुछ है नहीं, बस यही है जो मैप में मैंने लिख दिया यहाँ पर। इन्हीं को पढ़ना था, एक क्वेश्चन मिलता है हर एग्जाम में यहाँ से। सभी के पास लिखा हुआ है, एक बार रिवीजन कर लो फास्ट, एक मिनट में। कोई दिक्कत नहीं किसी को? एक एक महाद्वीप देखो, नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज के बारे में बता दोगे क्या? नदी, प्रकृति, देश, उपजाऊ मैदान है, मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी भी कहां पर है?
विनिपेग यहीं पर है। साउथ अमेरिका थोड़ा सा याद रखना है, पंपास के अलावा सभी कैसे हैं, उष्णकटिबंध। लानोज, ग्रांचाको, कैंपोज, कैटिंग्स, सेराडोस और एक वर्षावन कौन से, शैलवास, सवाना, वेल्ड, सवाना और वेल्ड, स्टेपीज। दोनों महाद्वीपों में कौन से मैदान है, स्टेपीज। स्टेपीज को हंगरी तथा उसके आसपास देशों में क्या कहते हैं, पुस्ताच। साइबेरिया में, साइबेरिया। चीन, उत्तरी चीन में क्या है, कौन से मैदान है, मंचूरिया। किस प्रकृति के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। मध्य एशिया में, तुरान। मध्य एशिया याद करो, पांच देश। मध्य एशिया से हमने पूरे एशिया को पढ़ा था, उत्तर एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया पढ़ा था। वहां पर दो नदियां हैं और ये दोनों नदियां कहां गिरती हैं, अरल सागर में। इन नदियों में पानी की मात्रा कम हो गई इसलिए अरल सागर भी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। खारे पानी की झील है अरल सागर, धीरे धीरे सिकुड़ रही है। आपके एटलस के कोने में अरल सागर का मैप भी बना हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी मिलती है इराक के आसपास। नदियों से बनेगा मैदान ये, कौन से नदियां, टिग्रिस यूफ्रेटस। टिग्रिस यूफ्रेटस का उद्गम टॉरस पर्वत, पॉन्टीन ऊपर है, टॉरस नीचे है और ये नदियां गिरती हैं फारस की खाड़ी। यहां से मिलान ज्यादा करवाता है डाउन्स को, पंपास को, पेरीज को, वेल्ड को, इन चारों को मिलान करवाएगा महाद्वीपों से। और डाउन्स और नल्लाबोर तो ऑस्ट्रेलिया देश में और यह है न्यूजीलैंड देश में। इनकी अलग से विशेषता कौन सी है, डेयरी और पशुपालन उद्योग के लिए। और ये प्रसिद्ध है दोनों उत्पादन के लिए, गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए। चले आगे, एक स्थलाकृति हमने पढ़ा, कौन सी, मैदान, पढ़ लिया। प्रकृति देखने का प्रयास किया, विशेषता देखा। उसके बाद में हम इजी एक स्थलाकृति कौन सी है, मरुस्थल, ये पढ़ लेते हैं पहले। उसके बाद में हम पर्वतों में जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम मरुस्थल। पहले मैं मैप बनाऊंगा, देखें कौन सा महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका से नीचे साउथ अमेरिका महाद्वीप और फिर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका से ऊपर यूरोप, इधर कौन सा महाद्वीप है, एशिया, एशिया से नीचे ऑस्ट्रेलिया। क्या देखेंगे, मरुस्थल। मरुस्थल में एक बार तो एग्जाम में मरुस्थल की डेफिनेशन पूछ लिया, तो कौन सी लाइन ध्यान रखना है, वर्षा, वार्षिक वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, 25। एक बार उसमें एग्जाम में दिए हुए थे 30, 35, 40, 50 ऐसे दिया हुआ था। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होती है उसे क्या बन जाएगा, जहां वर्षा कम होगी तो वनस्पति कैसी होगी, जीरोफाइट। कैसी वनस्पति होगी, जीरोफाइट, बालू मिलेगी, जनसंख्या का अभाव रहेगा और वनस्पति का अभाव रहेगा। वनस्पति में कांटे और जड़ें गहरी, ये कुछ विशेषताएं भी कई बार बना देता है। अब मरुस्थल में भी हम याद करने के लिए दो ही प्रकार से पढ़ेंगे, बीच में कौन सी लाइन, बीच में कौन सी लाइन, जीरो डिग्री। कौन सी लाइन है, जीरो डिग्री। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा, कौन सी लाइन, ये जीरो। और नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको से अफ्रीका, भारत से कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा। क्योंकि दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पूछ लेगा कौन सा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है, वो हम याद कर लेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने मैदान देखा उसी प्रकार क्या पूछ सकता है, प्रकृति, ये गर्म है या ठंडा। मरुस्थल की दो प्रकार की प्रकृति हो सकती है, कौन कौन सी, गर्म और ठंडा। लेकिन एक प्रकृति और पढ़ाया था मैंने संरचना के आधार पर, हम मादा, इर्ग, रेग, ओएसिस। ऐसे मरुस्थल जिनमें चट्टानी संरचना मिलती है नीचे, हम मादा, एग्जाम्पल सहारा, गोबी डेजर्ट, और हमारा थार में भी मिलता है। थार में पश्चिमी, सॉरी जैसलमेर के पास में चलेंगे तो पालिका स्तूप मुक्त क्षेत्र भी है, इसका मतलब नीचे क्या है, वहां पे चट्टानी संरचना है, हम मादा क्षेत्र है। और एक कौन सा है, इर्ग, रेतीला मरुस्थल। कैसा मरुस्थल, रेतीला, रेग, दोनों चट्टानी भी और रेतीला भी। और ओएसिस में क्या मिलेगा आपको, पानी के भंडार मिलेंगे नीचे, समझ गए।
लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन सा गर्म मरुस्थल है कौन सा ठंडा है, समझ गए। एक एक महाद्वीप स्टार्ट करें, यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका। यहां तक कर्क रेखा के आसपास गर्म मिलेंगे, कर्क रेखा के आसपास हम देखें तो कैसे मरुस्थल मिलेंगे हमने को, गर्म मिलेंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंडे। चार मरुस्थल बताऊंगा यहाँ पे मैं नॉर्थ अमेरिका में। ग्रेट बेसिन कौन सा मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन, उसके बाद में मोजावे, मोजावे, मोजावे के बाद में सोनोरन और चिहुआहुआ। एक बार तो एग्जाम में चार ऑप्शन दिए हुए थे, ये क्रम पूछ लिया इनमें से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट थे क्रम नॉर्थ से साउथ, सबसे ऊपर कौन सा आएगा, ग्रेट बेसिन, फिर मोजावे, सोनोरन, चिहुआहुआ, याद रह जाएंगे क्या। अब इनमें क्या याद करना है, गर्म और ठंडा, मैदानों में क्या देखते थे हम, उष्ण और शीतोष्ण, इसमें देखेंगे पहले गर्म और ठंडे। नीचे वाले तीनों कैसे हैं, गर्म, कैसी प्रकृति है इनकी, गर्म या उष्ण भी कह सकते हैं, उष्ण प्रकृति है इनकी, और इसकी कैसी प्रकृति है, शीत मतलब ठंडा, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। दूसरा याद हो गया, फिर हम क्या देखेंगे, देश याद करो, देखें देश कौन कौन से हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, मैक्सिको के मध्य से गुजरती है कौन सी लाइन, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो मरुस्थल का काफी विस्तार है, ऊपर वाले दोनों, ऊपर वाले दोनों कहां पर हैं, यूएसए, कनाडा तो बहुत ऊपर रह गया, यूएसए। नीचे वाले दोनों यूएसए प्लस मैक्सिको, यूएसए प्लस मैक्सिको, ऊपर वाले दोनों केवल यूएसए में, नीचे वाले दोनों यूएसए प्लस मैक्सिको में, समझ गए क्या। एक लास्ट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटा तो कौन सा है, मोजावे, और सबसे बड़ा कौन सा है, चिहुआहुआ। इन चार में देखें दूसरा नंबर का सबसे छोटा है और चौथे नंबर का सबसे बड़ा है, चार ही डेजर्ट हैं। क्रम बताओ उत्तर से दक्षिण की ओर, सोनोरन, चिहुआहुआ, ऊपर ही ऊपर वाला शीत, बाकी सभी गर्म, ऊपर वाले दोनों केवल यूएसए में, नीचे वाले दोनों यूएसए प्लस मैक्सिको, सही है। उसके बाद में देखें सबसे छोटा मोजावे और सबसे बड़ा चिहुआहुआ, याद हो गया आराम से। इसी के साथ मैं रिवाइज करूंगा, मैदान कौन सा था, प्रेरीज, किस प्रकृति का था, कौन कौन से देशों में, समझ गए, किसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए। साउथ अमेरिका में चलें, साउथ अमेरिका के मैदान पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कौन सा पर्वत है, एंडीज, कौन सा पर्वत है, एक मरुस्थल आपको मिलेगा इस एंडीज पर्वत के बीच में, यहाँ पर कहाँ मिलेगा, और इसका नाम है एटाकामा। इधर मिलेगा आपको पेटागोनिया, कौन सा मरुस्थल मिलेगा, दो ही मरुस्थल हैं, एटाकामा और पेटागोनिया। एटाकामा किसके पास में है, मकरेगा से ऊपर, मकरेगा से जस्ट ऊपर है, चिली देश यहाँ से काफी लंबा देश है, लेकिन चिली में भी एक बार एग्जाम दे दिया कि उत्तरी चिली में या दक्षिणी चिली में, उत्तरी चिली में है, ध्यान रखना, और उत्तरी चिली से जस्ट ऊपर देश है पेरू, पेरू, पेरू वही देश है जहाँ से वहाँ की जो ठंडी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। तो एटाकामा डेजर्ट गर्म है, उष्ण है, और ये कैसा है, शीत, ये बेसिक अंतर समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये मकर रेखा से ऊपर है और ये मकर रेखा से काफी नीचे है, उष्ण और शीत। देश देखें अर्जेंटीना, और यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, उत्तरी चिली, पेरू, उत्तरी चिली और पेरू, और इसकी एक प्रमुख विशेषता एटाकामा की, शुष्क डेजर्ट, विश्व का सबसे गर्म डेजर्ट तो कौन सा है, सहारा, सबसे गर्म तो कौन सा है, सहारा, सबसे शुष्क ड्राई डेजर्ट कौन सा है, एटाकामा। क्यों है ये ऐसा, ड्राई का मतलब क्या हुआ, तापमान नहीं मिलेगा, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है, वर्षा की मात्रा इसलिए कम है क्योंकि एंडीज पर्वत श्रेणी के बीच में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, समझ गए क्या। और यहीं पर पूरे विश्व का सबसे शुष्क स्थान मिलेगा अरीका, कौन सा स्थान मिलेगा, अरीका, कौन से देश में, चिली देश में, चिली देश में। तो ये तीन चार बातें इसकी हैं, बाकी इसकी है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, पेटागोनिया। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा
सबसे छोटा, यहाँ पर सबसे बड़ा, पेटागोनिया। बताओ दोबारा से, नाम एटागामा, पेटागोनिया। उष्ण शीत, उत्तरी चिली प्लस पेरू, पेटागो अर्जेंटीना। विश्व का सबसे शुष्क डेजर्ट और सबसे शुष्क स्थान कौन सा? अरीका, जो भी कौन से देश में? चिली देश। सही है क्या? दोनों महाद्वीपों के मरुस्थल याद हुए। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे? अफ्रीका में तो मरुस्थल का विस्तार इतना है कि इस महाद्वीप को क्या नाम दे देते हैं हम, मरुस्थलों का मरुस्थल, क्योंकि अकेला सहारा डेजर्ट कितने देशों में है? 11 देशों में। कहीं पर आपको 12 देश भी मिलेंगे, लेकिन अपने को 11 ध्यान रखना कि 9 उत्तरी अफ्रीका के लगभग 11 देशों में कौन सा मरुस्थल है? सहारा डेजर्ट है। और कौन कौन से मरुस्थल हैं? पहले नामीब, उसके बाद कालारी। ये भी पूछा हुआ है, मैंने शायद टेस्ट में दिया था कि तीन नाम दे दिया, तीनों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा सही है? सबसे पहले कौन सा आएगा? सहारा। फिर कौन सा आएगा? नामीब। फिर कौन सा आएगा? इन दोनों में कंफ्यूज रहता है, नामीब ऊपर है, कालारी नीचे है। सही है क्या तीनों? इनकी बात करें, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ये भी तीन देशों में है और ये भी तीन देशों में, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। बताओ देंगे नामीब डेजर्ट कौन कौन से देशों में? अंगोला, नामीब या दक्षिण अफ्रीका? नामीब डेजर्ट है ये। कालारी, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, तो सेम ही आएगा दोनों में, बोत्सवाना। और फिर भी याद नहीं हो तो दोनों तो सेम आएंगे, इसमें तो अंगोला आ जाएगा। कौन सा ऐड हो जाएगा इसमें? बोत्सवाना ऐड हो जाएगा, बस ए बी। बाकी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों में सेम है। इसकी एक और विशेषता एक्स्ट्रा लिखवाया था, क्या? बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। सहारा के बारे में बात करें तो ये भी कैसे हैं दोनों ही? ये उष्ण यही है, दोनों ही कैसे हैं? ये उष्ण है, ये ध्यान रखना, नहीं लिखा हो तो देख लेना। तीनों के तीनों ही उष्ण प्रकृति के हैं। ये भी कैसा है? उष्ण मतलब गर्म। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, जो 11 देश हैं यहाँ पर इनका विस्तार है। और विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी कौन सा है? सहारा। और यहाँ पे कौन सा स्थान मिलेगा? अल अजीजिया। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, लीबिया देश में। मिस्र के पास में कौन सा देश है? लीबिया देश में है। समझ गए? तीन चार बातें यही थी। और यहाँ पे दो जनजाति भी लिखवाया था मैंने, कौन कौन सी? बोदुइन, त्वारेग। बोदुइन और त्वारेग। सही है क्या? अफ्रीका महाद्वीप के कितने मरुस्थल? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इन दोनों में, अंगोला, बोत्सवाना। एक एक देश अलग है, बाकी दो सेम ही है, तीन तीन देशों में विस्तार है। कौन से सेम देश हैं? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका देश सेम है, बाकी इधर अंगोला हो जाएगा, इधर बोत्सवाना हो जाएगा। समझ गए? क्रम ध्यान रखना कि नामीब ऊपर है और कलारी नीचे है। तट पर भी देखें तो नामीब बिल्कुल तट पर है और ये थोड़ा अंदर। समझ गए? इसमें एक जनजाति बुशमैन। सहारा के बारे में सभी को जानकारी है कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे गर्म, उत्तरी अफ्रीका के लगभग 11 देशों में विस्तृत है। ठीक है? और यहाँ पे जनजाति बोदुइन और तुआरेग। और विश्व का सबसे गर्म स्थान भी कौन सा है? अल अजीजिया, जो कौन से देश में? लीबिया देश में। तीन महाद्वीपों के क्या देख लिया हमने? डेजर्ट। यूरोप में डेजर्ट है क्या? नहीं मिला यूरोप में डेजर्ट हमें, नहीं मिला। एशिया, एशिया में डेजर्ट है, देखते हैं कौन कौन से हैं। एशिया, यहां पर तो कौन सा है? अरब रेगिस्तान। अरब रेगिस्तान में ही है रुब अल खाली डेजर्ट। कौन सा है? रुब अल खाली डेजर्ट। यहां पे मिलेगा सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप में मिलेगा। उसके बाद में और कौन सा डेजर्ट है? ईरान में। ईरान में दो हैं, दस्त ए लूट, दस्त ए कावीर। ईरान देश में कौन कौन से मरुस्थल हैं? दस्त ए लूट, दस्त ए कावीर। अरब रेगिस्तान, अरब प्रायद्वीप में, सऊदी अरब, इराक, इन देशों में। और इसी में क्या आएगा? रुब अल खाली डेजर्ट। समझ गए? जो मैंने बताया था ना कि संरचना के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हमादा, इर्ग, रेग, ओएसिस। उसमें से क्या बताया? इर्ग रेतीले कैसे होते हैं, हमादा कैसे होते हैं? चट्टानी। तो सारा किसका उदाहरण है? चट्टानी, नीचे चट्टानी है, हमादा का उदाहरण है। लेकिन ये उदाहरण है इर्ग का। विश्व में सबसे बड़ा इर्ग मरुस्थल कौन सा है?
अरब रेगिस्तान, रुबल खाली डेजर्ट, दूसरा सबसे आएगा फिर तकला मकान मरुस्थल। दो हो गए, भारत से ऊपर एक हिमालय है, कुनलुन शान है, तियन शान है, तीन पर्वत हैं, हिमालय, कुनलुन शान, तियन शान, नीचे वाले दोनों के बीच में तिब्बत का पठार और यहां पर एक डेजर्ट है, टकला मकान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? टकला मकान मरुस्थल। इर्ग, सबसे बड़ा इर्ग तो कौन सा है? अरब रेगिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा इर्ग कौन सा आएगा? टकला मकान। कौन से देश में? चीन में। ईरान में कौन कौन से मरुस्थल हैं? दस्ते लूट, दस्ते कावीर, और ये कौन सा है? रुब अल खाली, बड़ा नाम इसका अरब रेगिस्तान। समझ गए? और कौन से करवाया था? गोबी, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन से ऊपर एक कौन सा देश है? मंगोलिया, उत्तरी चीन, दक्षिणी मंगोलिया, इन दोनों में कौन सा डेजर्ट है? गोबी, विश्व का सबसे ठंडा डेजर्ट है गोबी। विश्व का सबसे ठंडा डेजर्ट कौन सा है? सबसे गर्म, सबसे शुष्क, तीनों क्वेश्चन बनते हैं, सबसे शुष्क एटागामा, सबसे गर्म सहारा और सबसे ठंडा गोबी। समझ गए? यही था, एक दो तीन चार पांच, पांच डेजर्ट लिखवाया मैंने कि वहां पर एशिया में। थार, बिल्कुल यहाँ पे थार भी कर सकते हैं, अलग से भी पढ़ा था हमने। पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान में कितना? 15, भारत में 85, वो हमने देख लिया अच्छे से। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये पूरा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, ड्राई एरिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पे आपको अनेक मरुस्थल मिलेंगे, गिब्सन, सिम्पसन, ब्रेथ विक्टोरिया, स्टुअर्ट स्टोनी और एक कौन सा, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी। बोलो देखें ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों के नाम, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, ब्रेथ विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। एग्जाम में पूछता है, मिलान करवाएगा, इसके अलावा मरुस्थल से क्वेश्चन नहीं आएगा कुछ भी। समझ गए क्या? मैदान और मरुस्थल में कोई दिक्कत किसी को? पूरे याद हो गए? नाम बता दो सिर्फ मुझे। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, पांच अरब, दस्ते लूट, दस्ते कावीर, थार, तकला मकान, गोबी और ऑस्ट्रेलिया में भी पांच, और भी ज्यादा हैं, पांच से हमने लिखा, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, ब्रेथ विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। समझ गए क्या? कितनी स्थलाकृति देख लिया हमने? तो कौन कौन सी देख लिया? मैदान और मरुस्थल, इन दोनों के बारे में देख लिया। अब एक जो बड़ी स्थलाकृति है जिसके बारे में आप पढ़ने के लिए आए हो, कौन सी पढ़ना चाहते हो? पर्वत, पर्वत, पर्वतों से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? इन दोनों से समझ गए कि क्वेश्चन क्या बनेंगे? ये हमारे पास अप्रोच होना चाहिए, कौन से महाद्वीप में किस प्रकृति का और कैसे बने हैं और कोई विशेषता, जैसे शुष्क कौन सा है, गर्म कौन सा है, ठंडा कौन सा है, इनमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछेगा महाद्वीप, क्या पूछेगा? और महाद्वीप के नाम से आप खुश हो जाते हैं क्योंकि एक महाद्वीप तो ऐसा है जिसमें एक ही पर्वत है और वो मुझे याद भी है, कौन सा? एंडीज, सबसे लंबा पर्वत, दूसरा सबसे ऊंचा, याद है ना? तो दोबारा फिर अगेन खुश होते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में एक ही पर्वत है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, सात में से पांच ही महाद्वीप पढ़ने हैं मेरे को तो, सही है ना? अंटार्कटिका में एक कौन सा? ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज, उनके बारे में आपको जानकारी है ही। अब पढ़ने कितने हैं? पांच। एक तो पूछेगा महाद्वीप, ये महाद्वीप कौन से में है, देश भी पूछ सकता है, कौन क्या पूछेगा, देश भी मिलान करवा लेगा। सबसे ऊंची चोटी, क्या पूछेगा? चोटी। और आजकल जो क्वेश्चन पूछेगा, प्रकृति, इनका नेचर कैसा है, ये कैसे बने हैं, कि प्राचीन वलित हैं, नवीन वलित हैं, खंड पर्वत हैं, कैसे पर्वत हैं ये, समझ गए क्या? ज्वालामुखी पर्वत हैं, क्योंकि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियां टॉप थ्री कैसी हैं? ज्वालामुखी हैं। कौन कौन सी? किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी, सही है? ये एक अपन टॉपिक देखेंगे और लास्ट में कुछ देख लेंगे विशेषता, कि सबसे लंबा कौन सा है, दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, समझ गए क्या? कौन से पर्वत में कौन सा कोई पठार है, अन्य कुछ भी बातें होंगी तो हम किस में देखेंगे, पर्वतों के बारे में। चालू करें क्या?
वही बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, कौन से महाद्वीप है ये, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, उसके नीचे साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका से ऊपर और इधर कौन सा महाद्वीप है, एशिया, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। निकालो एक एक महाद्वीप निकालो, देखें नॉर्थ अमेरिका निकालो पहले। नॉर्थ अमेरिका में मैं बोल रहा हूं बहुत इजी है, नॉर्थ अमेरिका में पर्वत मिलेंगे दोनों तटों पर, किनारों पर पर्वत मिलेंगे, पूर्व में तो एक ही है और बाकी सभी किधर हैं, पश्चिम। पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा पर्वत पूर्वी भाग पर है, अपलेशियन, अपलेशियन सबसे ऊंची चोटी मिचेल, कनाडा और यूएसए में विस्तृत है और प्राचीन वलित पर्वत। चार बातें अपलेशियन की, एक पर्वत तो पूर्वी तट पर है, बाकी सभी पश्चिमी तट पर हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, कई बार ही पूछा हुआ कि चार इसी महाद्वीप के चार पर्वत देगा, कौन सा भिन्न है अपलेशियन, कौन सा है, प्राचीन वलित पर्वत है, कनाडा यूएसए में स्थित है, सर्वोच्च चोटी मिचेल या मिसेल भी मिलेगा आपको, समझ गए क्या, बाकी सभी कहां पर हैं, अलास्का श्रेणी, प्रशांत तटीय श्रेणी, रोकी, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। इन पर्वतों का निर्माण, ध्यान से सुने, इन पर्वतों का निर्माण अलग अलग पीरियड में हुआ है, अलग अलग पीरियड में हुआ है, इनको कहते हैं कार्डिलेरा। क्या कहते हैं, यदि एक से अधिक माउंटेन रेंज एक साथ बने तो रेंज कहेंगे उसको, पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज कहते हैं, और एक से अलग अलग युगों में बना है उसे क्या कहते हैं, कार्डिलेरा। इन सभी पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा, वेस्टर्न कार्डिलेरा, क्या कहते हैं इनको, वेस्टर्न कार्डिलेरा। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आंसर सेम ही होगा, कौन सा पर्वत पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग नहीं है, कौन सा पर्वत पूर्वी तट पर है, बस समझ गए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन प्राचीन वाली, कनाडा यूएसए में स्थित है, और मिचेल क्या है, मिचेल। इधर चलें सबसे ऊपर अलास्का, अलास्का में कौन सा पर्वत है, अलास्का श्रेणी, कौन सा पर्वत है, अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले का नया नाम देनाली मैकिनले या फिर देनाली। पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले या फिर देनाली, मैकिनले या देनाली कौन सी श्रेणी में है, अलास्का श्रेणी। नवीन वलित पर्वत है, कैसा पर्वत है ये, अर्थात ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट प्रशांत प्लेट के टकराने से बना है। तीन चार बातें हैं किसके बारे में, अलास्का के बारे में बताओ, देखें नवीन वलित पर्वत है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अलास्का क्षेत्र में स्थित है, अलास्का क्षेत्र किसके पास है, यूएसए के पास, कौन से देश के पास है, सबसे ऊंची चोटी मैकिनले, मैकिनले का नया नाम देनाली, और पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। सबसे लंबा पर्वत कौन सा है फिर यहाँ पे, रोकी, रोकी पर्वत, कनाडा और यूएसए दो देशों में विस्तृत है। नवीन वलित पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के टकराने से बना है, अभिसरण से ये बना है, काफी लंबा है सब, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा है, क्योंकि सबसे लंबा तो कहां मिलेगा, एंडीज नीचे मिलेगा, जिसको आपने अच्छे से याद ही कर रखा है इसको तो, ठीक है, दूसरा सबसे लंबा है। और बात करें तो सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट, सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, एल्बर्ट, लेकिन वो यूएसए में है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी रोबसन ये कनाडा में है। इसमें से पूछता है कि रोकी पर्वत की यूएसए में स्थित सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट, रोकी पर्वत की कनाडा में स्थित सबसे ऊंची चोटी रोबसन कौन सी है, रोबसन, समझ गए क्या, दोबारा से बताओ रोकी के बारे में। नवीन वलित पर्वत कैसा पर्वत है, कौन कौन से देशों में, कनाडा यूएसए में, कनाडा और यूएसए, ये रोबसन है, इधर नहीं लिखा हो देख लेना रोबसन, ये एल्बर्ट है, कौन सी है, एल्बर्ट।
नवीन वलित, नवीन वलित के साथ में नॉर्थ अमेरिका और प्रशांत प्लेट और चोटियां एल्बर्ट तो यूएसए में है, रोबसन कनाडा में है और विशेषता नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत और विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत, सही है क्या? इधर प्रशांत महासागर है क्या? प्रशांत महासागर के तट पर तीन पर्वत श्रेणियां हैं, उनको तीनों को मिलाकर कहते हैं प्रशांत तटीय श्रेणी। तीनों कौन कौन सी हैं? इलियास, कैस्केड और तटीय श्रेणी। इलियास श्रेणी, कैस्केड श्रेणी, तटीय श्रेणी, यही कहते हैं। तटीय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है लोगान। कौन सी है? लोगान, जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लोगान। सबसे ऊंची मैकिनले वो अलास्का में है, दूसरी लोगान तटीय श्रेणी में है और तटीय श्रेणी किसका पार्ट है? प्रशांत तटीय श्रेणी, प्रशांत तटीय श्रेणी, सही है क्या? उसके बाद में एक पर्वत है खंड पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये प्राचीन वलित, ये सभी नवीन वलित और खंड पर्वत ब्लॉक माउंटेन, मतलब भ्रंशघाटी से बनाए ये विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, समझ गए? विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी विटनी। कौन सी है? विटनी। तो चोटियों को भी मिलान करवा सकता है कौन सी चोटी कौन से पर्वत पर। और मेक्सिको में दो पर्वत हैं, सियरा माद्रे ओक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। इन दोनों के बीच में मेक्सिको का पठार है जो अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण। ये इतने ही पर्वत हैं कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में नाम एंडीज, कितने देशों में? सात। सात देशों में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, सात देशों में इसका विस्तार। नवीन वलिते पर्वत अर्थात इसका निर्माण साउथ अमेरिका प्लेट और प्रशांत प्लेट के टकराने से हुआ है। सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। कौन सी है? जो पूरे साउथ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। और एकांकागुआ कहां पर है? अर्जेंटीना में। कौन से देश में? अर्जेंटीना में है। अनेक यहाँ पे ज्वालामुखी भी चोटी मिलती है, कोटोपेक्सी, चिम्बेराजो, कोटोपेक्सी, चिम्बेराजो, ये कैसी हैं? ज्वालामुखी चोटियां भी हैं। ओजस डेल सलादो, यहाँ पे ज्वालामुखी चोटियां भी हैं। विशेषता विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत और ऊंचाई में दूसरा। सबसे ऊंचा तो कौन सा है? हिमालय। दूसरा सबसे ऊंचा एंडीज। यही बातें बताओ एंडीज के बारे में। कौन से महाद्वीप, कितने देशों में, कौन से तट पर है? एक चीज मैं बता देता हूं अभी से, सिर्फ कॉपी को पढ़ना नहीं है, कॉपी को समझना है, डायग्राम देखना है। क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र पर्वत है जो पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। गलत है। पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत। हर एक शब्द को, हर एक स्टेटमेंट को हम नोट्स में नहीं बना सकते। आंकड़े थे, डाटा थे, हमने समझ लिया, लिख लिया। क्वेश्चन आपको ही निकालना है, इसलिए उसकी मैपिंग अच्छे से देखना है। समझ गए क्या? एंडीज आपने अच्छे से पढ़ा है, याद भी किया, लेकिन एक सिर्फ क्या लिख दिया? पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। इसीलिए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। समझ गए? दोनों महाद्वीप। उसके बाद में कहां चलेंगे? अफ्रीका। कहां चलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में यहां पर तो कौन सा पर्वत है? एटलस, लोमा, कैमरून, ड्रेकेंसबर्ग, किलिमंजारो, केन्या, रुवेनजोर, यही पर्वत है। दोबारा से एटलस, लोमा, कैमरून, ड्रेकेंसबर्ग, किलिमंजारो, केन्या, रुवेनजोर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज्वालामुखी पर्वत हैं, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, अर्थात वो लावा के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, क्रम सही है। सबसे ऊंची किलिमंजारो, दूसरी केन्या, तीसरी रुवेनजोर। किलिमंजारो तंजानिया, युगांडा और केन्या, युगांडा। और इसको क्या नाम दिया था? टोलमी ने, चांद का पर्वत, चांद का पर्वत। तीनों को मैंने क्रम से लिखवा रखा है, किलिमंजारो, केन्या, रुवेनजोरी, तंजानिया। पर्वत का नाम कीनिया है, देश है केन्या।
किलिमंजारो, कीनिया, रूबेन जोड़ी, सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा, तीसरा सबसे ऊंचा, सही है। तीन तो ज्वालामुखी पर्वत है, ये कैसे हैं लेकिन ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक पर्वत है सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा पर्वत है? एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण कौन सा है? कैमरून। कौन सा? कैमरून, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कैमरून। मतलब ज्वालामुखी में भी क्लियर हो जाएगा और यहां भी क्लियर हो जाएगा। कैमरून देश में स्थित है, कहां स्थित है? नवीन वलित, प्राचीन वलित, नवीन वलित और प्राचीन वलित। न्यू फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, एटलस और ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग कहां पर मिलेगा? साउथ अफ्रीका। कौन से देश में? ये तीन देशों में है। कैसे, कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया तो याद होना ही चाहिए कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया, जहां से 0 डिग्री देशांतर भी गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा दोनों कहां काटते हैं एक दूसरे को? अल्जीरिया देश में। अल्जीरिया देश, उसके पास में ट्यूनीशिया, उसके पास में मोरक्को। मोरक्को देश में इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है टॉबकल। कौन सी है? टॉबकल। तो तीन चार बातें हो गई, कौन कौन सी? नवीन वलित, इसका मतलब अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है ये, तीन देशों में है। कौन कौन से? मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। सबसे ऊंची चोटी टॉबकल जो कहां पर है? मोरक्को देश। प्राचीन वलित पर्वत, कैसा पर्वत है? दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी लेनियाना, और लोमा पर्वत की चोटी है बिन तुमानी, बिन तुमानी, और गिन्नी और सियरा लियोन देश में स्थित है। समझ में आया क्या? अफ्रीका महाद्वीप क्लियर है, उसके बाद में कहां चलेंगे? यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में देखें एक पर्वत तो है यहां पर जो कि यूरोप और एशिया देश के बीच में है, लेकिन दो पर्वत हैं जो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो कोकेशस और एक है यूराल। यूराल पर्वत भी सीमा बनाता है दोनों के बीच में, और कोकेशस भी दोनों के मध्य सीमा बनाता है, ये ध्यान रखना है। पहले बात करेंगे कौन सा? यूराल। यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है, कैसा पर्वत है? अभी तक प्राचीन वलित, देखो नवीन वलित काफी है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्यादातर इनका स्पष्टीकरण करती है। प्राचीन वलित एक तो कौन सा देखा? अप्लेशियन, इसमें नहीं है, इसमें ड्रेकेंसबर्ग और इसमें यूराल। इसमें कौन सा? यूराल। तो तीन चार पांच ये, इनको तो कम से कम याद करके ही जाना, इनकी प्रकृति ज्यादा नहीं है ये। मतलब प्राचीन वलित का मतलब अरावली के समय के आसपास के हैं, अरावली के समान इनकी स्ट्रक्चर है, अरावली के अकॉर्डिंग इनका निर्माण हुआ है। यूराल यूरोप और एशिया के बीच में, प्राचीन वलित पर्वत है। रूस देश, ध्यान है कि रूस देश कहां से कहां तक है? यहां से स्टार्ट होगा यहां तक है। रूस देश का विभाग जो एशिया में है साइबेरिया, तो ये रूस में भी है और नीचे कजाकिस्तान में भी है। यूराल पर्वत कितने देशों में? दो, रूस में और कजाकिस्तान में। प्राचीन वलित पर्वत, सबसे ऊंची चोटी नारोदनाया। कौन सी है? नारोदनाया चोटी यहां पर है रूस देश में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारोदनाया। विशेषता, यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाता है। यहां से एक नदी है यूराल नदी, कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर, एशिया की, सॉरी विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। इसमें नदी गिरती है यूराल, और यूराल का उद्गम है यूराल पर्वत से। ऐसे समझ में, बताओ सभी यूराल के बारे में। प्राचीन वलित पर्वत है, रूस और कजाकिस्तान देश में स्थित है, और सबसे ऊंची चोटी नारोदनाया, यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाता है। यूराल नदी जो कहां गिरती है? कैस्पियन सागर। उसी प्रकार का एक पर्वत और है कोकेशस। कोकेशस नवीन वलित पर्वत है, कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है, केवल रूस देश में स्थित है। कहां स्थित है ये? ये रूस और कजाकिस्तान, यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। इसकी एक और विशेषता है काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है, यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाता है। सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस, एल्ब्रुस जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, कंप्लीट यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस, एल्ब्रुस। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, मिलान करवाएगा, मिलान करवाएगा। सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, सबसे ऊंची चोटी मैकिनले। कौन सी है? मैकिनले, मैकिनले का नया नाम देनाली।
कौन से पर्वत में? अलास्का। यूरोप के दो पर्वत याद हुए क्या? इंपोर्टेंट पर्वत यही है। उसके बाद में चलेंगे यहाँ पे बलकान पर्वत। कौन सा पर्वत है? बलकान देश में है, सर्बिया, बुल्गारिया, इसके आसपास के देशों में है ही स्थित है। ये काला सागर के बिल्कुल पास में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी बोटेव। सबसे ऊंची चोटी बोटेव। बताओ बलकान के बारे में, बलकान देशों में विस्तृत है जैसे बुल्गारिया, सर्बिया, सबसे चोटी बोटेव। बई बयारा इसमें तो बलकान, सर्बिया, बुल्गारिया, बोटेव, काला सागर के पास, सही है क्या? यहाँ पे एक पर्वत है आल्प्स माउंटेन, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत के तीन है ओनली। आल्प्स तो फ्रांस के पास में, डिनारी का आल्प्स से क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, और दक्षिणी आल्प्स से न्यूजीलैंड, दक्षिणी आल्प्स से न्यूजीलैंड, डिनारी का आल्प्स, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और आल्प्स माउंटेन चार देशों में। ऊपर तो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और नीचे है इटली। इस पर्वत के ऊपर है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीचे है इटली। नवीन वलित पर्वत है, फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाता है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में सीमा बनाता है। सबसे ऊंची चोटी ब्लोंक फ्रांस में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लोंक, माउंट ब्लोंक। और यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम है। नीचे तो है पो नदी, नीचे पो नदी, ऊपर राइन और रॉन, राइन और रॉन, समझ गए। उसके बाद में कुछ पर्वत हैं, देश बताना। देखें इस पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। स्पेन में एक पर्वत है कैंटाब्राइन। कौन सा पर्वत है? ओनली स्पेन में है। स्पेन से आगे फ्रांस, दोनों के बीच में पिरेनीज। कौन सा पर्वत है? कैंटाब्राइन, पिरेनीज, दोनों सेम नाम है। एपिनाइंस, पेनाइंस, एपिनाइंस, पेनाइंस, एपिनाइंस इटली, पेनाइंस यूके, इंग्लैंड। यूके तो कंप्लीट हो जाएगा, कहां पर है? इंग्लैंड। एपिनाइंस, पेनाइंस, कैंटाब्राइन, पिरेनीज, आल्प्स। फ्रांस में दो अलग से लिखवाया, जर्मनी में दो अलग से लिखवाया। फ्रांस में जूरा, वाजिस, जूरा कई बार पहुंचता है। जूरा और वाजिस पर्वत कहां पर है? फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज जर्मनी, सही है क्या? ये कंप्लीट पर्वत किसके हैं? यूरोप के। यहाँ पर एक पर्वत है स्कैंडिनेवियन पर्वत। कौन सा पर्वत है? स्कैंडिनेवियन पर्वत। यूराल, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कॉकेसस, बलकान पर्वत, आल्प्स, डिनारी का आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स, एपिनाइंस, पेनाइंस, कैंटाब्राइन, पिरेनीज, जूरा, वाजिस, कहां पर? फ्रांस में, और ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज जर्मनी में। कहां चलेंगे? एशिया में। एशिया में तो सिर्फ ये याद रखना है क्या? पामीर। क्या ध्यान रखना है? विश्व की छत। क्यों? क्योंकि एशिया की अधिकांश पर्वत श्रेणियां आकर मिलती हैं इसमें। अधिकांश पर्वत श्रेणियां आकर मिलती हैं, इसलिए पामीर को विश्व की, पूर्व में हिमालय, कुनलुनसान, तियनसान, दोनों चाइना से हैं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इसमें जाकर मिलती हैं, सुलेमान, केरथर, हिंदुकुश तो आगे है, हिंदुकुश आगे है, पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सुलेमान, केरथर, साल्ट रेंज, छगई पहाड़िया, मकरान पर्वत, छगई पहाड़िया और मकरान पर्वत। थोड़ा आगे चलेंगे हिंदुकुश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित। सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर। हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पामीर की सबसे ऊंची चोटी कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, और इसकी है त्रिचमीर। उससे आगे अच्छा है दो एक दो, पहले दो मिलेंगे, फिर एक मिलेगा, फिर दो मिलेंगे। आगे वाले तीनों पर्वत है तुर्की में। कहां पर है ये? पोंटीन, टोरस, अरारत। पोंटीन, टोरस, अरारत, पोंटीन और टोरस के बीच में अनातोलिया का पठार। कौन से तोलिया का पठार है? अनातोलिया का पठार तुर्की में है, पोंटीन और टोरस पर्वत के बीच में है। और टोरस पर्वत से तिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है, और ये नदियां गिरती हैं फारस की खाड़ी में। लेकिन तुर्की में दोनों पर्वतों से थोड़ा सा आगे एक पर्वत हो रहा है अरारत,
अरारत जो कि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरारत। दो एक वापस है, दो ईरान में दो पर्वत हैं, एलबुर्ज जागरोस, एलबुर्ज और दोनों के मध्य ईरान का पठार, दोनों के मध्य कौन सा पठार है? ईरान का पठार स्थित है। फिर क्या आएगा? हिंदू कुश। फिर क्या आ जाएगा? पामीर, हिमालय, कुनलुनसान, तीनसान। आगे भी ऊपर भी कुछ पर्वत लिखवाए थे, अल्ताई, सयान, वृहद खिंगन, वृहद खिंगन और बरखोन यास्क, बरखोन यास्क। पहले अल्ताई, फिर सयान, वृहद खिंगन केवल चीन में है, ये चीन, मंगोलिया, रूस, थोड़ा बहुत यहाँ विस्तार मिलेगा, ये मंगोलिया और रूस में मिलेगा, और बरखोन यास्क कंप्लीट कहाँ मिलेगा? रूस में, कंप्लीट रूस में, कंप्लीट चाइना में, कंप्लीट रूस में, कंप्लीट चाइना में। ऊपर पहले चीन है, मंगोलिया है, रूस है, मंगोलिया रूस में शयान, चीन मंगोलिया में अल्ताई, चीन मंगोलिया में अल्ताई। इधर हमने देखा जापान, कौन सा देश देखा? जापान में चार बड़े द्वीप हैं, होकाइडो, होन्सू, क्यूसू, सिकोकू। होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, वहां पर एक पर्वत है फ्यूजी जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। फिजी पर्वत कहां पर? जापान में, कौन से द्वीप में? होन्सू। उसके बाद में कौन से पर्वत देखा हमने? ये देख लिया, कुनलुनसान, तियनसान, अराकनियोमा। भारत और म्यांमार के बीच में नेचुरल बॉर्डर, प्राकृतिक सीमा बनाता है ये, कौन सा? अराकनियोमा पर्वत, नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विक्टोरिया। भारतीय मानसून को सर्वाधिक प्रभावित करता है, यहाँ से जो भी पवने जाएंगे टकरा करके भारत की ओर मुड़ती हैं। एक शाखा तो यहीं पर रुक जाती है, एक शाखा उत्तरी मैदानी प्रदेश की ओर आती है, समझ गए? और इन्हीं पर्वतों का विस्तार कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहाँ, किसका विस्तार माना जाता है? अराकनियोमा पर्वत का विस्तार माना जाता है। भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा, कोई हमने लाइन नहीं बना रखा, इधर इंडिया है उधर म्यांमार, समझ गए? और एक कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में अन्नाम पर्वत, कौन सा पर्वत है? अन्नाम पर्वत। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट शब्द आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो पर्वत है, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, पाताल तोड़ कुएं हैं यहाँ पर, और ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ग्रेट शब्द से ध्यान रखना कहाँ मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रेलिया में। एक पर्वत तो कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके ऊपर कौन सा पर्वत है? विल्हम, कौन सा पर्वत है? विल्हम, पापुआ न्यू गिनी, जो कि इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत विल्हम, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कोस्कू, इसको कोस्कू, इसको प्राचीन वलित पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कैसा पर्वत है? ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व पश्चिमी तट पर स्थित है, सही है क्या? पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, ऐसे स्टेटमेंट बनेगा। हम याद भी कर लेंगे लेकिन लोकेशन याद नहीं होने के कारण क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत प्राचीन वलित पर्वत है ये। ऐसा पर्वत है प्राचीन वलित, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोस्कू, इसको। नीचे न्यूजीलैंड देश है, न्यूजीलैंड देश में दो द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप में न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और दक्षिणी द्वीप में दक्षिणी आल्प्स, कौन सा पर्वत है? दक्षिणी आल्प्स की सबसे चोटी माउंट कुक, कौन सी है? माउंट कुक। ये अपने क्या होते हैं? पर्वत। इसी स्पीड से चलें तो ये क्या, आज तीन स्थलाकृति कर लिया हमने कंप्लीट, क्या क्या पढ़ लिया? मैदान, मरुस्थल, पर्वत। जो इसको बार बार सुनेगा, अभी तो सुबह नेटवर्क का इश्यू था इसलिए वो लाइव क्लास नहीं चल पाई, जो इसको बार बार सुनेगा रेस्ट टाइम में, पिक्चर देखते हो ना आप, गाने सुनते हैं, उस समय इसको सुनना है। कॉपी को सामने खोल करके स्पीड और ही बढ़ा लेना, मेरी स्पीड वैसे कम है, 2x में कर लेना, फिर मैं और भी जल्दी जल्दी बोलूँगा रॉकी एंडीज, ठीक है? और जो जितना सुनेगा उतना ही याद होगा, कन्फर्म है। इन तीन से ही क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है झीलों से, झीलों में सबसे ज़्यादा कौन सा? महान झील है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी हम कल रिविजन करेंगे, समझ गए? थैंक यू।